अलकुम uh, मेरा नाम है डॉक्टर इरफान आई एम पी एच डी इन सोशालोजी फ्राम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब और uh, मैं सी एस एस स्कोप के प्लेटफॉर्म से सोशालोजी uh, का uh, जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और uh, <coughs> आज का ये जो हमारा सेशन है ये पर्टिकुलरली uh, मेरे टीचिंग मेथड पे है और पास्ट पेपर्स और इन फ्यूचर क्या मतलब किस पैटर्न पे पेपर्स आ रहे हैं और उसको कैसे टैकल करना चाहिए स्टूडेंट्स को तो उस पर ही हमारा सेशन है तो सेशन का पहला जो पार्ट है उसमें बात की जाएगी कि इन रिसेंट टाइम्स क्यों सोशोलॉजी लो स्कोरिंग होता जा रहा है ठीक है पेपर किस तरह आ रहा है कौन कौन से कंटेंट्स या एरियाज को फोकस किया जा रहा है और हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम 2021 जो जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर बात होगी ठीक है इसका मकसद सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स को क्लैरिटी हो जाए कि किस तरह का पेपर है और किस तरह इसको अप्रोच किया जाता है ठीक है तो सबसे पहले तो बच्चों अगर बात की जाए कि पेपर पैटर्न जो है और स्लो स्कोरिंग क्यों होता जा रहा है जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और पेपर्स को अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो 2019 से पहले पहले तो सोशोलॉजिकल थेरी और रिसर्च का जो पैटर्न होता था ना उसमें एक एक सवाल आता था ठीक है किसी भी एक थे पर बात हो जाती थी और रिसर्च मेथड्स के किसी भी एक कंपोनेंट पे कुछ चीज पूछ पूछ ली जाती थी ज्यादातर जो है वो टॉपिक्स जो कवर किए जाते थे वो सोशल इंटरेक्शन कास्ट सिस्टम क्लास सिस्टम कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस जो है ना वो पूछ लिए जाते थे ठीक है और थेरी और रिसर्च को एक एक सवाल दिया जाता था और बल्कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई एक आध पेपर ऐसा भी है जिसमें रिसर्च का क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया ठीक है लेकिन पिछले साल और ये वाला साल बीस और इक्कीस का जो पेपर्स हैं इसमें बहुत ज्यादा फोकस जो है सोशोलॉजिकल थेरी और सोशल रिसर्च पर है ठीक है अब ये एक बड़ी अहम बात है दो दो क्वेश्चन और इवन और दो की रेशो भी आपको मिलती है कि थेरी के तीन क्वेश्चन और रिसर्च के दो क्वेश्चन तो जो सात सवाल आते हैं उनमें से पांच सवाल तो इन्हीं पे आ जाते हैं और एक जो तीसरा बड़ा अहम कंपोनेंट पूछा जाता है वो है सोशल चेंज का अब वो इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी सिग्निफिकेंस ऑफ सोशोलॉजी सोसाइटी ये वो ये वो चीजें बहुत ही थोड़ा पूछ रहा है ठीक है एक सवाल वो पूछता है अप्लाइड जिसमें करंट पॉलिटिकल जेंडर बेस्ड वायलेंस और इस तरह की चीजें पूछता है बट उसका जो ज्यादा फोकस है वो होता है रिसर्च और थेरी पे ठीक है अब ये तो बात होगी उनके पैटर्न की लो स्कोरिंग क्यों होता जा रहा है आपको जो मोस्टली बुक्स अवेलेबल होंगी या सोशोलॉजी के जो नोट्स अवेलेबल होंगे उनमें मुख्तलिफ जो थेरिस्ट हैं मार्क्स है, है डरखाइम है कॉम्टे है स्पेंसर है इनके थेरीज की जस्ट आउटलाइन जस्ट थोड़ा थोड़ा उसका ब्रीफ जो है वो दिया जाता है जो कि अच्छा होता है अगर मैंने मुख्तलिफ नोट्स को या बुक्स को देखा है वो अच्छा लिखा हुआ है लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स का फोकस सिर्फ नोट्स पर होता है नोट्स में सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूँ अगस्ट कॉमटे की तीन स्टेजेस वो पढ़ा दी गई अमाइल डर की थियोरी ऑफ सुसाइड ठीक है कार्ल मार्क्स की कार्यरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट ये पढ़ ली जाती है नोट्स में ब्रीफ में बड़ा अच्छा लिखा होता है असल इशू ये आता है कि जो क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जामिनर वो दो सालों में क्या कर रहा है एक तो इन क्वेश्चंस की एप्लीकेशन पूछ रहा है पाकिस्तान की सोसाइटी में दूसरा वो क्या कर रहा है वो मुख्तलिफ दो या तीन थियरीज के कॉम्बिनेशन को पूछता है जैसे कि लास्ट ईयर एक सवाल में रिलीजन को मार्क्स और डरखाइम के में पूछ लिया हालांकि मुख्तलिफ नोट्स में तो डरखाइम और सॉरी वेबर इनका रिलीजन को बड़ा थोड़ा सा पढ़ाया जाता है तो अब इशू ये आता है कि वही जो टॉपिक हमने ब्रीफ में पढ़े होते हैं ठीक है उन पर वो डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ लेता है ठीक है और ये चीज नोट से कवर करना मुश्किल होता है ठीक है जब आप फिजिकल या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो मोस्टली जो टीचर्स हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि वो को इंटीग्रेट करे और आपको करंट सिचुएशन में उसकी एप्लीकेशन भी बताए ठीक है ये वो बात है कि स्टूडेंट्स का फोकस मोस्टली नोट्स पर होता है इन चीजों पर नहीं होता ये तो एक कंपोनेंट हो गया थेरी का रिसर्च में भी ऐसे हो रहा है एक तो वो रिसर्च मुखल टेक्निक्स के कंपेरिजन को भी पूछ रहा है उनकी लिमिटेशन और आ, को भी पूछ रहा है और दूसराबल है। है? होती है नोट्स में तो खैर बिल्कुल नहीं अच्छी बुक्स जो लिखी होती है उनमें ये चीजें मौजूद होती हैं ठीक है अब आते हैं कि मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का उसमें यही चीज है लास्ट जो सेशन मैंने लिए हैं तो हमारा फोकस ये होता है कि हम जो मतलब पब्लिक ओपिनियन क्लास सिस्टम कास्ट सिस्टम इस पर हमारा फोकस कम होता है और हमारा मेजर फोकस यही होता है कि हम थियोरीज और रिसर्च को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ें उसकी एप्लीकेशन उसकी इंटीग्रेशन और उनकी कनेक्टिविटी को देखें ठीक है तो ये चीज़ जो है ये जरूरी होती है अच्छा स्कोर लेने के लिए अगर हम 2020 के पेपर की बात कर लेते हैं ठीक है या ट्वेंटी ट्वेंटी वन के पेपर की बात कर ले तो, तो इसमें रिसर्च और थ्रिय का बहुत ज्यादा कंपोनेंट है जो कि पहले नहीं होता था ठीक है अब हमारे इस सेशन का जो दूसरा पार्ट है उस पर आते हैं कि जस्ट फॉर डिमोन्स्ट्रेशन कि किस तरह चीजें पढ़ाई जाती हैं ठीक है तो हम लेते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन का पेपर ठीक है इसमें मैंने स्टूडेंट्स uh, की सहूलत के लिए कि कुछ मटेरियल उनको अवेलेबल हो तो स्लाइड्स के थ्रू ये चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा एक्सप्लेन की जाएंगी ठीक है यहाँ पर एक और बात ज़रूरी है कि मोस्टली जो सोशल चेंज है या किसी भी थीरिस्ट की थियरी की कोई एक एजम्पन है उस पर डिटेल्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है और हमारी जो इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं उसमें हमारा फोकस ये होता है कि हम हर पॉइंट को इन डिटेल पढ़ें ठीक है जैसे कि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था सोशल चेंज और सोशल स्ट्रक्चरल चेंज ठीक है तो इनका डिफरेंस क्या है ये चीजें जो होती हैं ये क्लासेस के दौरान टीचर्स के साथ इंटरेक्शन में ही ये चीजें बेहतर रहती हैं ठीक है अब हम चलते हैं हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जो पेपर है ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जो पेपर है उसमें सबसे पहला जो सवाल है वो ग्लोबल कल्चर पे है ठीक है अब कल्चर और ग्लोबलाइजेशन का ये एक मिक्सचर सा सवाल बन जाता है ठीक है और शायद स्टूडेंट्स को फील हुआ हो कि मुश्किल सवाल है ठीक है है ठीक लेकिन जिन लोगों ने मटेरियल पढ़ा होता चीजें पढ़ी होती हैं हैं डिटेल में डिस्कस की होती अपने अपने टीचर्स के साथ ठीक है उनको आइडिया हो जाता है कि ग्लोबल कल्चर क्या चीज है ठीक है यूनिवर्सल कल्चर क्या चीज है ये कैसे डेवलप होता है इन सिंपल कल्चर के कॉन्सेप्ट को हमने बढ़ा देना होता है उसने साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी पूछी हैं तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट शेयरिंग स्क्रीन हेयर ठीक है तो जी सबसे पहले आ जाता है ग्लोबल कल्चर अब सबसे पहले तो ग्लोबल कल्चर को अगर डिफाइन किया जाए तो सिंपली अगर आप देखें ग्लोबल कल्चर इज अ सेट ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस नॉर्म सिंबल्स एंड आइडिया दैट यूनाइट पीपल एट ग्लोबल लेवल अगर हम कल्चर की सिंपल डेफिनेशन देखें ना ग्लोबल निकालने के से हटके सिंपल कल्चर की तो वो क्या है शेयर्ड एक्सपीरियंस सिंबल्स आइडियाज दैट यूनाइट पीपल ठीक है ऐसी चीजें जो कि लोगों को इकट्ठे रखती हैं ठीक है थीके? उनको हम क्या कहते हैं कल्चर कहते हैं जब ग्लोबल है तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिससे ग्लोबली मुख्तफ मुल्कों के लोग जो है वो इकट्ठे रहते हैं ठीक है कल्चर कैन एग्जिस्ट एट द ग्लोबल नेशनल रीजनल सिटी नेबरहुड सब कल्चर एंड सुपर कल्चरल लेवल ठीक है देखिए ना कल्चर हर घर का भी एक होता है उनकी रूटीन उनके बात करने के अंदाज उनके खाने पीने के अंदाज उनके रहने सहने के अंदाज उनके आइडियाज उनके सिम्बल्स ठीक है घर से लेकर ये चीज ग्लोबल लेवल तक फैलती है एक घर का क्या कल्चर है एक क्लासरूम का क्या कल्चर है एक सिटी का क्या कल्चर है रूरल अर्बन कल्चर पाकिस्तान का एक ब्रॉडर कल्चर क्या है चारों सूबों के सब कल्चर क्या हैं ठीक है इसी तरह एशिया का क्या कल्चर है सब कॉन्टिनेंट का क्या कल्चर है और इसी तरह ग्लोबल लेवल ठीक है तो इसमें पॉइंट क्या है कि शेयर्ड एक्सपीरियंसेस शेयर्ड सिंबल्स वो जिस लेवल पर भी होंगे उस लेवल के एनालिसिस को आ, फोकस रखना होगा जैसा सवाल पूछा जाता है ठीक है अगर वो पाकिस्तान के कल्चर को पूछेगा तो हमें पाकिस्तान लेवल पर देखना पड़ेगा अगर वो सब कॉन्टिनेंट को कहता है तो सब कॉन्टिनेंट के लेवल पर देखना पड़ेगा और यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल कल्चर की कि वो क्या क्या एरियाज है जहां पर ग्लोबली लोग यूनाइट होते हैं ठीक है अब आ जाते हैं Uh, चूंकि सवाल में तो उसने सिर्फ पूछी हैं लेकिन सिंपल दस देने से एग्जाम्पल नंबर का सवाल पूरा नहीं होता तो हमें कुछ फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स जिनके जरिए ग्लोबली लोग इकट्ठे होते हैं ठीक है फंडामेंटल मीन बाई विच कल्चर कम टू रिजेंबल ईच अदर इज वाया द दिन ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन अगर यहाँ पर आप लोगों ने कल्चर या सोशल चेंज का टॉपिक पढ़ा होगा ठीक है तो सोशल चेंज के जो फैक्टर्स हैं ये एलिमेंट्स हैं तो उसमें कल्चरल कल्चरलेशन है डिफ्यूजन है अकल्चरेशन है ठीक है तो ये जो चीजें हैं इनमें से एक चीज है कल्चरल डिफ्यूजन जब बहुत जब दो कल्चर्स आपस में इकट्ठे होते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो जो ट्रेड्स शेयर होते हैं उसको कल्चरल डिफ्यूजन क्या कहा जाता है तो ग्लोबल कल्चर बनने की एक फैक्टर या एक रीजन क्या है कल्चरल डिफ्यूजन पाकिस्तान इंडिया जापान चाइना ठीक है तो ये लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं सेकंड ट्रैवल न्यू इन्वेंशन के जरिए जब एयरप्लेन के थ्रू ट्रैवल स्टार्ट हो गया तो ट्रैवल जब फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग होगी ठीक है तो डिफ्यूजन का जो एलिमेंट है वो भी बेहतर होगा तो जितना ज्यादा लोग एक दूसरे के पास आए जाएंगे उतने ज्यादा ट्रेड्स मिक्स होंगे और ये रीजनल लेवल पर भी होता है और नेशनल और ग्लोबल लेवल पर भी होता है ठीक है अगर हम पाकिस्तान के चारों सूबों की इंटीग्रेशन और आ, क्लेक्टिव कल्चर की बात करें तो चारों सूबों को आपस में जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी जितने ज्यादा लोग मिलेंगे ठीक है जितनी ज्यादा ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जितनी ज्यादा आपस में मिलना आसान बनाया जाएगा उतना ही ज्यादा इंटीग्रेशन होगी ठीक है क्यों क्योंकि उतना ज्यादा चीजें यूनाइट होती जाती हैं ठीक है उसके बाद आ जाता है जी ट्रेड ट्रेड सी इसकी एग्जाम्पल है इसके अलावा सबसे नीचे इंटरनेशनल बैंक की जहां पर एग्जाम्पल दी गई है आई एम एफ वर्ल्ड बैंक तो ये क्या है ये बड़े बड़े अदारे हैं बड़े बड़े ट्रेड यूनियंस हैं बड़े बड़े बैंक हैं जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया हुआ है ठीक है पाकिस्तान की ट्रेड किन किन ममालक के साथ हो रही है इंडिया की ट्रेड किन किन ममालक के साथ हो रही है चाइना की ट्रेड किन किन ममालक के साथ हो रही है ठीक है तो दैट तो तो इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर नेक्स्ट आ गया जी कंक्वेस्ट ठीक है वॉर वगैरह की जब बात कर लेते हैं ठीक है तो देखें अमेरिका इन अफगानिस्तान इराक सीरिया ठीक है इसी तरह रीजनल लेवल पे आ, जो कंक्वेस्ट होती हैं आजकल खैर उस लेवल पर तो नहीं होती ठीक है आज से पहले ये चीज़ ज्यादा थी और आज जो है वो लेटेस्ट मीन्स से जो कि इसका थोड़ा सा पैटर्न हम कार्ल मार्क्स की रेलेवेंस इन द ट्वेंटी फर्थ सेंसरी उसमें भी हम पढ़ेंगे तो जब एरियाज और ममालक Conquest, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े वॉर के साथ होते हैं तब भी एक ग्लोबल कल्चर बनता है लोग मिलते हैं ठीक है बेसिकली ग्लोबल कल्चर के फैक्टर्स को समझने के लिए लोगों का मिलना इकट्ठा होना यूनाइट होना उनके एक्सपीरियंसिस का एक होना जरूरी है नेक्स्ट हमारा जी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ठीक है इस हेडिंग को अगर आप बाइफर्कट किया जाए ठीक है तो मीडिया एंड कम्युनिकेशन सोशल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट तो इसको काफी एंगल्स बनाए जा सकते हैं लेकिन इस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर के लिए इतना काफी है कि थ्रू सोशल मीडिया थ्रू ईमेल्स ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है ग्लोबल कल्चर बनता जा रहा है ठीक है क्यों तो क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठे शेयर हो रही होती हैं ठीक है जैसे कि अभी आप देखिए ना मीम्स बनते हैं ठीक है और रिसेंटली uh, uh, इंडिया का कोई एक मीम uh, मैं देख रहा था जिसमें पाकिस्तानी वो जो अहमद शाह है और पाकिस्तानी एक वो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक बंदे की तस्वीर बनी होती है ठीक है तो वो इंडिया में ये लोग भी बहुत ज्यादा फेमस है क्यों थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेक्स्ट आ जाता है जी ये हैं वो एग्जाम्पल्स ठीक है जो कि पेपर में उसने पूछी भी हुई है स्पोर्ट्स हॉलीडेज एंड पास टाइम लोगों के स्पोर्ट्स के साथ जज्बात ऑलमोस्ट ग्लोबली एक जैसे होते जा रहे हैं ठीक है कोविड 19 की वजह से स्पोर्ट्स नहीं होती रही थी तो तमाम में कैसे जाती है? इंडिया में कैसे मनाई जाती हैं और स्लाइड डिफरेंस तो होगा लेकिन एक ग्लोबली एक चीज जो है वो जरूर आ जाती है फैशन इंडस्ट्री डिप्लोमेसी ठीक है हाइब्रिड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो अब डिप्लोमेटिक चैनल्स किस तरह यूज किए जाते हैं ये भी एक ग्लोबल फीचर बनता जा रहा है लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है बिलीफ सिस्टम पीस सिक्योरिटी ह्यूमन राइट्स ठीक है ये वो चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्सली ग्लोबली uh, हर एक की ये आइडिया कुछ देखें हम अगर डेफिनेशन में पढ़े तो आइडियोलॉजी और आइडियाज की भी बात होती है तो बिलीफ सिस्टम भी जो है वो ग्लोबली ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड होते जा रहे हैं आर्ट्स एंड म्यूजिक जैज म्यूजिक है रैप म्यूजिक है तो ये नॉट ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ग्लोब बल्कि ग्लोबली ये चीजें एक्सेप्टेबल होती जा रही हैं और लोगों के एक्सपीरियंसिस में शामिल होती जा रही है फूड कल्चर ठीक है culture, जिसको हम मैकडोनलाइजेशन भी कहा जाता है सोशोलॉजिकली स्पीकिंग ठीक है एजुकेशन इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ठीक है और एजुकेशन मुख्तल ममालक इकट्ठे हो रहे हैं चीजें शेयर हो रही हैं कंज्यूमर कल्चर हमने किस तरह चीजें खरीदनी होती हैं किस तरह बेचनी होती है ठीक है सबसे पहला बिजनेस वाला और ये वाला ये मिक्स किया जा सकता है तो ये बच्चों वो एग्जाम्पल्स हैं कि ग्लोबल कल्चर क्या चीजें होती है एक हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर हमारा ग्लोबल uh, कल्चर का जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाता है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है वो है सोशल कंट्रोल का ठीक है अब देखें सवाल है कि सोशल कंट्रोल कौन कौन से मींस यूज करता है टू कंट्रोल एन इंडिविजुअल तो सबसे पहले आप देखें इसमें सोशल कंट्रोल इज एन एक्टिव और पैसिव प्रोसेस ऑफ ग्रुप रेगुलेटिंग इट्स अकॉर्डिंग टू इट्स बिलीव्स प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ठीक है तो ये एक पैटर्न है यहां पर दो डेफिनेशन दी गई हैं शंकर राव की और ब्रूस एंड की तो जाता है सोशल कंट्रोल अब फॉर्मल सोशल कंट्रोल के क्या मीन्स हैं और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के क्या मीन्स हैं ठीक है वो पूछे गए हैं ठीक है बट उससे हट के हम इसका डिफरेंसिस है और नीड फॉर सोशल कंट्रोल है ठीक है तो ये भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल डाला है सोशल कंट्रोल ये देखें अब हम आ जाते हैं फॉर्मल सोशल कंट्रोल फॉर्मल सोशल कंट्रोल जो सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पैटर्न इस्तेमाल करता है मींस यूज करता है दैट इज लॉस कानून बनाकर लोगों के रवैये को कंट्रोल करना दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फॉर्मल सोशल कंट्रोल एजेंसीज ठीक है एजेंसीज में पुलिस और इसको अगर अगली हेडिंग के साथ आप कंपेयर करें तो एजेंसीज एट द लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं सिक्योरिटी एजेंसीज हैं पुलिस जो है वो एक छोटे लेवल पर भी आ जाता है ठीक है एजेंसीज जो है वो एक बड़े लेवल पर हैं उसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन uh, ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल uh, एक मुल्क की एग्जेक्टिव होती है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और किसी भी डिपार्टमेंट की जैसे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है लेबर डिपार्टमेंट है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ठीक है तो ये अपने लोगों को किस तरह कंट्रोल कर रहा होता है दैट इज अदर पॉइंट ठीक है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह कंट्रोल करते हैं और लास्ट पे और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हमारी पार्लियामेंट ठीक है कैबिनेट ठीक है तो ये वाली चीजें किस तरह हमारे रवैयों को कंट्रोल करती हैं दैट इज ऑन द पार्ट ऑफ फॉर्मल सोशल कंट्रोल नेक्स्ट आ जाता है जी इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल इन फॉर्मल सोशल कंट्रोल में गॉसिप्स फॉक वेज मोरेज कस्टम्स रेगुलेशन एंड वैल्यूज ये तमाम चीजें आ जाती हैं ठीक है गॉसिप्स क्या चीजें हैं ठीक है गॉसिप्स जो हम Uh, मोहल्ले में और छोटे लेवल पे इनफॉर्मली वे में यार वो क्या कर रहा है यार वो क्या कर रहा uh, है और मोरिज जो हैं देर आर सम स्ट्रॉन्गर लेवल्स बेसिकली सोशल कंट्रोल के ये तीन लेवल्स भी गिने जा, जा सकते हैं फोक फोकवेज मोरिज और लॉस फोकवेज और मोरिज जो है ये इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है और लॉस जो है ये फॉर्मल सोशल कंट्रोल है और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में वैल्यूज और हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशन जो जो में ज्यादा हमें दिखाई देते हैं वो हैं ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह अटैम्प्ट किया जाना था इस इस पॉइंट से पहले डिफरेंस बिटवीन सोशल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल आ जाता है फॉर्मल सोशल कंट्रोल रिटर्न और फॉर्मलाइज्ड जो होता है

इंट्रो में अगर ये पूछे ना भी जाए तो आप एक, एक पैरे में इसको समेट के लिखा जा सकता है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि नीड फॉर सोशल कंट्रोल तो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल और फॉर्मल सोशल कंट्रोल के कंपैरिजन को ना भी किया जाए तो लेकिन फिर भी ये करना जरूरी है कि सोशल सिस्टम सोशल बिहेवियर सोशल डिसीजन मेकिंग और यूनिटी को इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए क्या काम किया जाता है सोशल कंट्रोल जरूरी होता है सोशल सेंक्शन के लिए टू चेक कल्चरल माली एडजस्टमेंट्स ठीक है तो ये सारी चीजें सोशल कंट्रोल में इंक्लूडेड होती हैं एक और सवाल था इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज अब आप देखें ग्लोबल कल्चर और सोशल चेंज ये वाला सवाल दो सवाल हमें सोशल चेंज से आ चुके हैं ठीक है उसके बाद दो सवाल हमें थ्योरी से मिलेंगे और एक सवाल हमें रिसर्च मेथड से मिलेगा ठीक है तो ये आप खुद से देख देख सकते हैं कि पिछले दो या तीन सालों से किस तरह फोकस जो है वो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम सिंपल सोशोलॉजिकल डीपर थोरेटिकल एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज का लगना फैक्ट्रीज का लगना और ये सारी चीजें अब ये सोशल चेंज को किस तरह ट्रिगर कर रही है अब ये सवाल इन जनरल

जिन एरियाज में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लगती हैं वहां पर ऑटोमेटिकली रेजिडेंस आती हैं लोग बाहर से आते हैं इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है तो वो एरिया क्या बन जाता है अर्बेनाइज बन जाता है ठीक है तो नंबर वन क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन और पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है लाहौर कराची शेखपुरा फैसलाबाद कसूर ये मैं मतलब सेंट्रल पंजाब की बात कर रहा हूँ और दूसरे एरियाज की अगर बात करें तो जहां पर इंडस्ट्री लगती है वहां पर शहर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद सेकेंड इफेक्ट क्या आता है सोशल चेंज पे दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा एक अच्छी बात है कि हमारा फैमिली सिस्टम जो है वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है लोग इकट्ठे रहते हैं लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है तो लोग विद फैमिली वहां शिफ्ट हो जाते हैं ठीक है विद फैमिली वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं तो पेरेंट्स पीछे होते हैं एक न्यूक्लियर फैमिली निकल कर आ जाती है ठीक है तो यह भी एक सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है जो कि डिपेंडेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से से अर्बनाइजेशन होती है और से ही न्यूक्लियर फैमिली जनरेट होती है चेंजेस इन द लिविंग स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन आई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई सैलरीज इंक्रीज हुई फिर क्या है कि यूनियन बनी सैलरीज फर्दर इंक्रीज हुई मार्केट इकोनॉमी बढ़ती गई उससे क्या हुआ लिविंग स्टैंडर्ड्स लिविंग स्टैंडर्ड्स नॉट ओनली फॉर द बट आल्सो वो इंक्रीज होना जब लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा तो सोशल चेंज ऑब्वियसली आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंजेस द लेबर लॉज एंड लेबर कंडीशन ठीक है एक आध फैक्ट्री का मालिक है जैसे मर्जी वो अपनी लेबर को यूज करे बट जब यही चीज बढ़ती जाएगी तो जैसे कि ट्रेड यूनियंस की अगर मैंने बात की है सोशल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए ठीक है तो क्या होता है कि बहुत जल्द चीजें जो हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं ठीक है और ये तीन चीजें आप गौर से देख लें आखिरी तीनों पॉइंट्स लेबर लॉस वर्किंग क्लास वुमेन आ जाती हैं और चाइल्ड लेबर ठीक है और इन तीनों के काउंटर के लिए सोशल चेंज होती है लोग इकट्ठे होते हैं ठीक है लॉज इंप्रूव होते हैं अब देखे ना वर्किंग क्लास वुमेन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो छोटी छोटी इंप्लायमेंट जनरेट होंगे तो औरतें भी काम के लिए जाएंगी ठीक है दैट इज आल्सो एन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विद रेफरेंस टू सोशल चेंज ठीक है और इसी तरह चाइल्ड लेबर ठीक है जब आपको पैसा मिल रहा होगा तो ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर इंक्रीज होगी तो उस चाइल्ड लेबर के काउंटर में या वो चाइल्ड लेबर एज इट एक इंडिकेटर है सोशल चेंज का ठीक है तो ऑब्जर्वेबल है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वर्किंग क्लास है, लेबर लॉस बन रहे हैं चेंज हो रहे हैं चाइल्ड लेबर है लिविंग इंक्रीज हो रहा है, फैमिली मजीद बढ़ रहा है, भी बढ़ रही है, बढ़ भी तो ये पांच छह पॉइंट इनफ है जो कि आपको इस सवाल के सोल्यूशन के लिए होंगे रिसर्च मैथड ये एक सवाल था जिसमें उसने तीन रिसर्च सिलेबस में उसने लिख दिया है

इन रिसेंट टाइम्स मिक्स मैथड कुछ क्वालिटेटिव भी ले लें कुछ क्वांटिटेटिव भी ले लें उसने तीनों की लिमिटेशन पूछी है मिक्स मैथड रिसर्च की क्या लिमिटेशन है ये बड़ा कंप्लेक्स हो जाता है आप क्वांटिटेटिव डाटा भी ले रहे हैं क्वालिटेटिव डाटा भी ले रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन आपने दोनों को मिक्स भी करना है ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है

हमारे मिक्स मेथड रिसर्च की लिमिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन जैसे कि मैंने पहले बताया है क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है आप थोड़े से रिस्पोंडेंट्स लेकर उनसे बार बार डेटा बार बार इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं ठीक है ये टाइम कंज्यूमिंग होती है आपने एक घर की एक एरिया की अगर इन डेप्थ स्टडी करनी है तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा टाइम के लिए रुकना पड़ेगा दूसरी बात वेरीफाई uh, तो करना मुश्किल होता है कि आपने पहले क्या बात की, अब क्या बात करेंगे ये इशू आ जाता है वेरीफाई करना क्वालिटेटिव डाटा को मुश्किल होता है इट्स अ लेबर इंटेंसिव अप्रोच आपने जो रिस्पॉन्स लिए होते हैं उनको जब कोडिंग करना होता है जब उसको लिखना होता है और उसकी इंटरप्रिटेशन करनी होती है तो वो मुश्किल होता है और इसी इंटरप्रिटेशन की बेस पर एक और इसकी लिमिटेशन आ जाती है बाइस आ जाती है ठीक है रिसर्च बाइस से कहा जाता है ठीक है इट इज डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट कैजुअलिटीज ठीक है ना कॉज कॉजुअलिटी अब किसकी क्या कॉज है वो इससे डिटरमिन करना क्वालिटेटिव से मुश्किल होता है वो क्वांटिटेटिव का काम होता है और सोशल साइंस रिसर्च में यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किस तरह कैजुअलिटीज को कैप्चर करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च इज नॉट स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंटेटिव आपने चार पांच बंदों से डाटा लिया है तो उसकी बेस पर आप अपनी फाइंडिंग्स को इंटायर पॉपुलेशन इंटायर पाकिस्तान इंटायर पंजाब इंटायर लाहौर पर जनरलाइज नहीं कर सकते लिमिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने 100 200 500 लोगों से सर्वे किया है और अपना रिजल्ट निकाले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है इसमें क्या क्या खामियां हैं इन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन मैं लाहौर से पांच सौ हजार पांच हजार बंदा लेकर कुछ सर्वे करूंगा तो वो पूरे लाहौर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा लैक ऑफ रिसोर्स फॉर डेटा कलेक्शन पांच हजार बंदे से मैं डाटा कैसे लूंगा तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होती हैं इन एबिलिटी टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट को कंट्रोल या वेरिएबल्स को कंट्रोल करना इसमें मुश्किल होता है लिमिटेड आउटकम्स इन क्वांटिटेटिव रिसर्च रिसर्च के जो आउटकम्स होते हैं वो पॉलिसी लेवल पर मुश्किल होते हैं आपने सिंपल बता देना होता है कि इतने परसेंट ने ये कहा इसकी क्या रीजन है इसकी क्या फैक्टर्स आते हैं ठीक है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च कोई भी हो तीनों में हमने देख लिया कि टाइम कंज्यूमिंग ये रिसर्च होती हैं ठीक है आपने पांच बंदों से डाटा लेना है तो पांच बंदों से डाटा लेने में आपको कई टाइम लग जाएंगे आखिरी दो पॉइंट्स हैं डिफिकल्ट इन डेटा एनालिसिस स्टेटिस्टिकल आमतौर पर स्टेटिस्टिकल एक्सपर्ट्स और आउटसोर्सिंग की जाती है वो इसमें मुश्किल है क्वालिटेटिव में तो खैर सारा काम आपने खुद का किया होता है आपने तो ये फर्क आ जाता है इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होते तो ये हमारा अगला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जिसमें हमने पढ़ा है रिसर्च मेथड्स की टेक्निक्स सोशल रीजंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अब देखिए यहां पर मैंने कुछ थे वो बयान की हैं जो सोसाइटल लेवल पे हैं अगर मेरे कुछ जेंडर स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने सोशोलॉजी में भी ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा अटैम्प्ट किया होगा क्यों क्योंकि मैंने सोशल इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल तीन लेवल्स की थेरीज उनको अलग अलग पढ़ाई थी तो ये बच्चों सोशल लेवल की थेरीज हैं जो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में कंट्रीब्यूटिंग uh, फैक्टर्स हैं ठीक है लर्न बिहेवियर इसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं कि आपने सोसाइटी में अपनी फैमिली में वायलेंस होते देखा है उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉस ऑफ कंट्रोल सोसाइटल प्रेशर पीयर प्रेशर बाहर का प्रेशर जॉब का प्रेशर तो आपसे कंट्रोल नहीं होता यू यून टू बी इन डोमेस्टिक वायलेंस 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 साइकिल साइकिल ऑफ ऑफ में क्या है डोमेस्टिकॉट टू शो देर टू एंगर फ्रस्ट्रेशन विच अल्टीमेटली एक्सप्लोर बच्चों को यही समझाया तुम बेटे हो तुमने रोना नहीं है ठीक है मर्द बनो मर्द बनो वो चीज आता अंदर ही रहती है और जब कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक्सप्लोर होती है फैमिली रिलेशनशिप मॉडल ठीक है मियाँ और बीवी दोनों के लड़ाई झगड़े पैट्रियर्की दो अलग हैं इनको इकट्ठा किया जा सकता है हमारा ओवरऑल जो पैट्रियार्कल सिस्टम है मेल डोमिनेंस है वो भी सोसाइटल लेवल पे है ना ठीक है वो भी एक अहम है ये मार्क्सिस्ट जो है ना ये ज्यादा इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है लेकिन चूंकि हमने रिसोर्सिस को कंसंट्रेटेड uh, किया हुआ है मर्दों की तरफ ठीक है तो वो चीज भी लेके जाती है डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ ठीक है तो ये कुछ रीजन हैं सोशल रीजन हैं डोमेस्टिक वायलेंस की रेलिवेंस ऑफ कार्ल मार्क्स ये उसने पूछा हुआ है कि आज भी कार्ल मार्क्स की थ्योरी रेलिवेंट क्यों है तो सबसे पहले क्या है उसका पॉइंट क्या था उसका पॉइंट था क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल दो सोशल क्लासेस हैं अपर क्लास एंड लोअर क्लास जिसको उसने जिस और प्रोलिट्रेट कहा था ठीक है दोनों एंटागोनिस्टिक हैं वो रिसोर्स दबाए हुए हैं ये आगे से रिवॉल्ट करना चाहते हैं ठीक है ये सारा मामला अब लेटेस्ट मेथड्स टेक्निक्स और आज के दौर में ये कैसे रेलेवेंट है अब नए तरीके कार आ गए हैं लोगों के ऑपरेशन के जिसमें पॉलिटिकल अलीट को मिलाया जाता है यहां पर Uh, पहले सिलेबस में था ये शायद अब भी है सी उसका एक आता है पावर अलीट का जिसमें रिलीजन ब्यूरोक्रेसी मिलिट्री ये तीन चार पावरफुल स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ना उनको ऊपर रखा जाता है ठीक है जो मिलकर आ, लोगों को कर रहे होते हैं एक्सप्लाइट कर रहे होते हैं ठीक है टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी सर्वेलेंस स्पाइंग ये सारी चीजें जो होती हैं ये किस तरह दो सोशल क्लासेस को आपस में या एक को आ, क्या सुपीरियर रख रही हैं और एक को इंफीरियर रख रही हैं इसी तरह मीडिया टेक्नोलॉजी और मीडिया ओवरलैप होते हैं वॉर ठीक कि है कि किस तरह आ, ये वाला जो वॉर का कॉन्सेप्ट है ये वाला जो है ये यही जेंडर स्टडीज में हमने डिपेंडेंसी थेरी पढ़ी थी ठीक है तो डिपेंडेंसी थेरी भी बताती है कि, कि किस तरह अलीट क्लास अलीट हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो किस तरह दबा के रखते हैं हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को ठीक है हेल्थ एंड कोविड इसकी जो आ जाती है ना वो कह लें कि कॉन्स्परे ये वेस्ट ने किया है पैसा कमाना और ये सारा कुछ ठीक है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है जो कि आज के दौर में रेलिवेंट है वो क्या है जी कैपिटलिज्म ठीक है रेफर्स टू अ सोसाइटी दैट इज बेस्ड ऑन द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस पीपल एंड द स्टेट ठीक है इसको ही हम ले लें तो हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है कि पाकिस्तान में बिजनेसमैन कौन है वही पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं यहाँ पर आ, किसी भी पार्टी के बंदे का नाम लूंगा तो वो एक अलग बात हो जाएगी बट हमारी पार्लियामेंट में एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट पिछली पार्लियामेंट इन फ्यूचर भी होंगे तो बिजनेस कम्युनिटी जो होती है वो और पॉलिटिकल अलीट ये इकट्ठी होती है ठीक है उसका फायदा क्या होता है सबसे आखिरी लाइन फॉर्म ऑफ टैक्स ब्रेक्स गवर्नमेंट ग्रांट्स और ये सबसे दबाया जाता है हैंस इट्स प्रूव्ड के आ, की थेरी अभी भी रेलेवेंट है। और हमारा ये रेलिवेंस ऑफ इब्न खल्दून। सवाल ये पूछा गया था कि इबन खल्दून का सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट आज भी रेलेवेंट क्यों है और इससे मोस्टली थे क्यों है क्योंकि इब्ने खदून ने इंटरनल फैक्टर्स पोलिटिकल अलीट की कहने के तबाही की वजूहत फॉरन प्रेशर कल्चरल फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन पाँच फैक्टर्स पर बात की थी भी किस तरह ये फैक्टर्स सोशल चेंज को ट्रिगर कर रहे होते हैं लेकर चल रहे होते हैं और इन पाँचों पॉइंट्स ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमें आ, बहुत सारे थियरीज ने इन एक एक पॉइंट्स पर लेकर बात की हो, होती है कल्चरल फैक्टर्स मॉडर्नाइजेशन थेरी को एक्सप्लेन कर रहा होता है फॉरन प्रेशर डिपेंडेंसी ने लिया हुआ है पोलिटिकल अलीट का concept, ने दिया है ठीक है इंटरनल फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर भी ढेर सारी थे सोशल चेंज की मौजूद हैं जो कि इबनदून से ड्राइव की गई हैं तो ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि इबन खन ने बताए थे ठीक है तो ये है बच्चों हमारा 2021 का पेपर ठीक है और अगर मैं आ, इसी तरह से ये सोशोलॉजी का पेपर है जो कि अभी हमने डिस्कस किया है ठीक है बाकी इंशाल्लाह यकम आ, मार्च से हमारा सोशोलॉजी का सेशन स्टार्ट हो रहा है ठीक है और ये वाला पेपर जो आया है और पिछला पेपर जो आया है इसके कॉन्टेक्स्ट में Uh, इन हमारा जो मेजर फोकस है वो थेरी और रिसर्च और अप्लाइड क्वेश्चन पर होगा ठीक है जो कि एक मेजर फैक्टर बन रहा है लो स्कोर के लिए ठीक है थैंक यू वेरी मच मजीद स्टूडेंट्स आर इंकरेज टू कॉन्टेक्ट